हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, अगर आप एक नया स्मार्टफोन परचेज करने जाते हो तो वहां पर एक टर्म जरूर से मेंशन की जाती है कि इस फोन में IP54, IP68 या फिर IP67 की रेटिंग है। तो आखिरकार इस IP रेटिंग का मतलब क्या होता है और काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो यार, आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल में नॉलेज देने वाला हूँ कि IP रेटिंग आखिरकार होती क्या है। तो यार, चैनल पर पहली बार आया चुको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार, देख सकते हो यहाँ पर मैंने आपके लिए पूरी तरीके से यहाँ पर जो चार्ट बनाया हुआ, जिसमें मैंने आपको जो वो कंप्लीट यहाँ पर डिटेल कि आईपी रेटिंग क्या होती है। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं कि आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है। आईपी की फुल फॉर्म यहां पर होती है इनग्रेस प्रोटेक्शन। तो यहां पर कुछ इस तरीके से आपको जो है वो मेंशन किया होता है कि IP65, जिसमें आईपी के फुल फॉर्म मैंने बता दी इनग्रेस प्रोटेक्शन होती है। जो पहला लेटर होता है वो यहां पर सॉलिड के लिए इंडिकेट होता है, जो दूसरा लेटर होता है वो यहां पर लिक्विड के लिए जो है वो इंडिकेट होता है। तो यहां पर टोटल सॉलिड की बात करें तो 6 नंबर से यहां पर डिफाइन होता है, लिक्विड की बात करें तो लगभग यहां पर 9 नंबर तक आपको जो है वो इंडिकेट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले नंबर सॉलिड से। तो यहां पर जो 1 से लेकर 4 नंबर तक जो रेटिंग होती है वो जनरली मोबाइल के लिए नहीं होती है, 5 और 6 की जो मोबाइल के लिए होती है। और जो यहाँ पर जो डैश एक्स है वो यहाँ पर लगभग आपके वियरेबल ब्रांड जैसे कि स्मार्ट वॉचेस हो गया या बैंड हो गया, उसके लिए यहाँ पर यूज होती है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर 1 से। तो यहाँ पर आपके फोन को जो है वो 50 mm से ऊपर की चीजों से प्रोटेक्शन मिलेगी, जैसे कि आपका हाथ हो गया, तो हाथ तो आपका फोन के अंदर जा नहीं पाएगा तो ये मोबाइल के लिए नहीं हुआ। जो दूसरे नंबर की है वो लगभग 12.5 mm से ऊपर की चीजों से आपके फोन को प्रोटेक्ट करेगा, मतलब आपकी उंगली जो कि फोन के अंदर नहीं जा पाएगी, ये भी नहीं है यहाँ पर। तीसरे नंबर की जो रेटिंग है वो आपके फोन को यहां पर 2.5 mm से ऊपर की चीजों से प्रोटेक्शन देगी, मतलब यहां पर लगभग स्क्रू ड्राइवर होता है तो वो आपके फोन में नहीं जा पाएगा। चौथे नंबर की बात करें तो यहां पर आपके फोन को लगभग जो है वो 1 mm से ऊपर की चीजों से प्रोटेक्शन मिलेगी, मतलब कि कोई वायर है तो वो भी आपके फोन में जा नहीं पाएगी। तो टोटल मिला के कह सकते हैं कि 1 से लेकर 4 नंबर तक मोबाइल में नहीं आते, और आपने कहीं सुना भी नहीं होगा कि IP4 IP3 की कोई फोन यहां पर आया हो। बात करते हैं पांचवें नंबर की। तो यहां आपके फोन को डस्ट से जो है वो प्रोटेक्शन मिलने वाली है, जो कि यहां पर पूरी तरीके से प्रोटेक्शन नहीं कह सकते, मतलब थोड़ा बहुत तो आपका जो है वो अंदर जा ही जाएगा डस्ट। बात करते हैं छठे नंबर की। तो यहां पर आपका फोन पूरी तरीके से डस्ट टाइट होगा, मतलब बिल्कुल भी डस्ट आपके फोन के अंदर नहीं जाएगी, जो कि यहां पर सॉलिड में फाइनल नंबर होता है। बात करते हैं अब लिक्विड की। तो जो पहला नंबर होता है लिक्विड में वो होता है कि अगर आपका फोन जो है वो वर्टिकली है और आप थोड़ा बहुत जो है उसमें पानी वगैरह डाल देते हो ऊपर से तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका फोन चल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं दूसरी रेटिंग की। तो यहां पर 15° एंगल में अगर आपका फोन इस तरीके से और थोड़ा बहुत उसमें पानी पड़ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका फोन बच जाएगा। बात करते हैं तीसरे नंबर की रेटिंग की। तो यहां पर आपका फोन थोड़ा मोड़ा जो है वो स्प्रे वगैरह करोगे फोन पर पानी का तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से जो है वो प्रोटेक्शन आ जाएगी। फिर आता है 4 नंबर, मतलब आपके फोन पे अगर आप थोड़ा बहुत जो है वो इस तरीके से छिट्टी मार के पानी कर देते हो तो भी जो है वो आपका फोन यहां पर बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आता है 5वें नंबर का कि मतलब अगर आप पाइप से अपने फोन के ऊपर पानी डाल देते हो तो भी फोन बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आता है 6 नंबर का कि अगर आप पाइप जो कुछ इस तरीके से दबाकर बहुत तेज पानी फेंकते हो तो भी यहां पर आपका फोन जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आता है नंबर 7, मतलब आपका फोन पानी में अगर 1 मीटर के आसपास चला जाता है, 30 मिनट तक अगर वो रहता है, उससे कम रहता है तो फिर आपका फोन बच जाएगा, उसके ज्यादा रहेगा फिर आपका फोन नहीं बच पाएगा। फिर आता है 8वें नंबर के। तो यहां पर लगभग 1.5 मीटर के आसपास आप पानी के अंदर जो है वो रख सकते हो, 30 मिनट उससे कम रखोगे तो ठीक रहेगा, उससे ज्यादा रखोगे तो हो सकता है फोन खराब हो जाए। फिर आता है जो फाइनल रेटिंग होता है जो अभी तक मोबाइल में देखने को मिला नहीं है, मतलब मोस्ट द मोबाइल में देखने को नहीं मिला है, वो है कि यहां पर हाई टेम्परेचर से जैसे कि 80 डिग्री 90 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर है उसके अंदर जो है वो फोन चला जाएगा, 2 मीटर के आसपास रहता है अगर अंदर और 30 मिनट से कम रहता है तो वहां पर बच जाएगा, और अगर हाई मतलब वाटर जेट है बहुत तेज पानी जा रहा है तो भी यहां पर आपके फोन को बचा लेगा। तो यहां पर आप 9 नंबर देख सकते हो। सॉलिड में यहां पर आप एक्स नंबर यहां पर देख सकते हो जो कि वियरेबल ब्रांड हो गया जैसे कि स्मार्ट वॉच हो गया बैंड होगा उसमें यूज होता है, जैसे कि IPX7, मतलब 7 मतलब वाटर से तो प्रूफ दे रहा है लेकिन यहां पर जो एक्स का मतलब है कि डस्ट से कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देगा, तो इसीलिए होता है IPX7 या IPX8, उसमें आपका डस्ट का प्रोटेक्शन नहीं होता है। बात करते हैं अब यहां पर कुछ और चीजों की, जैसे कि अगर आपके फोन में आईपी रेटिंग है भी तो भी इसकी पूरी गारंटी नहीं है 100% कि आपका फोन जो है वो खराब नहीं होगा, इसीलिए कंपनियां जो है वो वारंटी वगैरह देती नहीं है कि हाँ अगर वाटर डैमेज हो गया तो वारंटी नहीं मिलने वाली है। उसके अलावा देख सकते हो यहाँ पर ये सब रेटिंग जो है वो फ्रेश वाटर के साथ यहाँ पर बताई गई है, तो अगर आपका समुद्र में जो है फोन चला जाता है सलाइन वाटर जैसा होता है तो वहां पर आपका फोन बचने के कम चांसेस है, हो सकता है खराब हो जाए। इसके अलावा जो IPX की रेटिंग मैंने आपको बता दी वियरेबल और स्मार्ट वॉचेस के लिए यहाँ पर होती है। तो देख सकते हो अब आपको पता चल चुका है कि IP रेटिंग किस काम के लिए यहाँ
पर यूज होती है, तो अगर आप IP54 IP55 है तो आप पता लगा पाओगे कि हाँ मेरा फोन जो है वो खाली स्प्लैश से प्रोटेक्शन दे पाएगा या फिर पूरा डुबो दोगे तब प्रोटेक्शन हो पाएगी। इसीलिए काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं कि IP54 में जो है वो पानी में डुबो सकते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर आपके फोन में IP68 है तो आप पानी में डुबो सकते हो, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होगी, वो भी 30 मिनट के अंदर। ऊपर कर दोगे तो वो भी खराब हो जाएगा। तो यार फाइनली मैंने आपको बता दिया आईपी रेटिंग क्या होती है। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करो, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर भी करना। मिलता हूं आपसे नए वीडियो में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।